तो हेलो गाइस, कैसे हो और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई, आपको थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि हम आज जा रहे हैं सर्विसिंग सेंटर सर्विसिंग करने के लिए। तो हमारा किलोमीटर हो चुकी है 658 किलोमीटर। इस बाइक का सर्विसिंग 500 किलोमीटर के पहले ही करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा देर कर दिए। अब जाते हैं सर्विसिंग सेंटर और क्या बोलते हैं आप आगे वीडियो में देखोगे। तो भाई, इस बाइक का ये फर्स्ट सर्विसिंग है, तो कैसा एक्सपीरियंस आता है मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। रॉयल इनफील्ड का सर्विसिंग सेंटर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो डायरेक्ट मिलते हैं 50 किलोमीटर के बाद। तो भाई, हम पहुँच चुके हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम पर और हमारा बाइक यहाँ पर खड़ा है। और इस शोरूम का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप।
अभी यह ऑयल फिल्टर की बारी आ चुकी है। ये ऑयल फिल्टर ऑयल के अंदर डुबा के इसको फिट कर देंगे बाप। और ये नया वाला ऑयल फिल्टर है और नीचे बड़ा है पुराना वाला, देखोगे सकाला हो गया है। और ये ऑयल फिल्टर की कवर में भी वो गम लगा रहे हैं, ये गम लगाने के बाद ऑयल लीक नहीं होगा। अब हमारा टैंक खोल रहा है क्योंकि इंजन के अंदर एक रबर फिट होगा, वो रबर फिट हुआ होगा वो निकाल के वापस नया वाला डाल देंगे। सीट खोलने के बाद ये नट आपको दिखेगी, ये नट बोल्ट खोलने के बाद टांग हमारा बाहर आ जाएगा। और टांग बाहर आने के बाद कैसा दिख रहा है ये देखो, पूरा खाली खाली सा दिख रहा है। ये दो नट खोलने के बाद इंजन का कवर जो है ऊपर वाला वो निकल जाएगा, और वो निकलने के बाद एक रबर चेंज होगा। उस रबर को मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो इंजन का ऊपर वाला पार्ट खोलने के बाद कैसा दिखता है। ये रबर लगाने के लिए इतना सब करना पड़ा। ये रबर लगाने के बाद हमारा इंजन वापस लग चुकी है, अब टैंक भी लग चुकी है। गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद पूरा वॉश होके आ गई है, देखो कैसा लग रहा है। तो भाई गाड़ी सर्विसिंग होके आ गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय।